आज की यह वीडियो सामान्य ज्ञान के लिए 14वां भाग होगी और यह आपके बेहतरीन किताबों का निचोड़ होगा। यह आपके हाई लेवल एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को हिंदी में पढ़ना या फिर इंग्लिश में, तो आप इस एप्लीकेशन पर जाके पढ़ पाएंगे। यहाँ पर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। इससे पहले वाली सारी सीरीजों को आप देखेंगे तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। सबका लिंक आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। यहाँ पे बात की गई है हाई कोर्ट की। ये केवल हाई कोर्ट की ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होता है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, उसे लगता है कि उसको अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, उसका कोई कसूर नहीं था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट के सामने भी पेश नहीं किया जा रहा है, या फिर कोर्ट के सामने पेश तो किया गया लेकिन उसका जुर्म उतना सही नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये जो आपको पावर मिलता है Article 32 में मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। Article 32 में आपको 5 तरह के अधिकार मिलते हैं, जिसमें से पहला है हैबियस कॉर्पस। मतलब कि ये इसमें होता है ये कि वो व्यक्ति प्रार्थना करता है उच्च न्यायालय से या फिर सुप्रीम कोर्ट से कि हमें अवैध रूप से कैद करके रखा गया है, और यहाँ पे जो कोर्ट है वो कहता है कि अगर इसे अब तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो तुरंत इसे संबंधित कोर्ट में पेश करिए ताकि इनके मामले पर आगे सुनवाई हो सके। इसके अलावा जो अगला आदेश होता है, अगला जो अधिकार मिलता है, ये होता है परमादेश का। परमादेश में क्या होता है, ये तब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति, कोई नेता अपने अधिकार का वहन नहीं कर रहा है। वैसे आप नेता पे नहीं कर सकते इसको, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जिम्मेदार है, जिसकी मतलब और उत्तर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको जो कोर्ट है आदेश जारी करता है। इसके अलावा जो अगला है ये है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला है उत्प्रेषण, मतलब कि चौथा, और पांचवा है अधिकार परीक्षा, मतलब कि कोई व्यक्ति जब किसी पद पे बैठा होता है और वह उस लायक नहीं है तो कोर्ट को अधिकार है कि वह पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पर बैठे हैं। बस आप ये जानिए कि Article 32 में आपको 5 तरह के राइट मिलते हैं। यहाँ पे देखिए सही सुमेलन इस प्रकार है। यहाँ पे तो सुमेलित है, परीक्षा में आपसे सुमेलित करवाया जाता है। मौलिक अधिकार ये मिला था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संसद में मौलिक अधिकार का संशोधन कर सकती है, ये कहा गया केशवानंद भारती केस में। देखिए पहले क्या था कि मौलिक अधिकार में ही प्रॉब्लम आ गई थी। लोगों को ये था कि जब उनका अधिकार है पब्लिक का तो इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये संविधान का हिस्सा है और संविधान को हम Article 368 के तहत संशोधित कर सकते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। ये था केशवानंद भारती वाला केस। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ये Article 32 में बताया गया है। मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं सकते हैं, उसका व्यापार नहीं कर सकते हैं। उपाधियों का निषेध, ये Article 18 में कहा गया है। धार्मिक मामलों में आपको स्वतंत्रता होगी, ये Article 26 में कहा गया है। अल्पसंख्यक को अपनी भाषा को रखने का अधिकार होगा, ये Article 29 में कहा गया है। शिक्षा का अधिकार है Article 21A में। ये जो सारे आर्टिकल है ना, ये कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार कब मिला, तो ये मिला केशवानंद भारती वाले विभाग में। दरअसल क्या था कि मतलब कि कुछ लोगों का कहना था कि लोगों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, मौलिक अधिकार दिए भी गए। पहले 7 थी इनकी संख्या, बाद में इसे 6 कर दिया गया। जब इनकी संख्या 7 हुआ करती थी तो उसमें संपत्ति का अधिकार भी था। संपत्ति का अधिकार मतलब कि ये हमारी भूमि है तो हमारी मर्जी इसे हम बेचें या फिर ना बेचें। लेकिन आपको लगता होगा कि ये अधिकार तो आज भी है, तो आज आपके पास ये अधिकार तो है लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये केवल एक आपका कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार में आपका पूरा पावर होता है, कानूनी अधिकार में आपका पूरा पावर नहीं होता है। वहाँ पर सरकार चाहे तो आपको उचित मूल्य दे करके इसको ले सकती है। जैसे पहले होता क्या था कि रेल की पटरी आ रही है, कोई व्यक्ति ने कहा कि नहीं
यहाँ पे हम नहीं जाने देंगे, ये हमारे पिताजी की भूमि है, या फिर यहाँ पे कब्र है, ये है वो है, तो ये काम रुक जाता था। इसीलिए ये मामला कोर्ट में गया, क्योंकि पहले कहा गया था कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। बाद में जब केशवानंद भारती वाले में फैसला आया, तो कहा गया कि नहीं, संशोधन किया जा सकता है, और इसमें जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया। अब इसको रखा गया है 300 क में, यानी कि एक में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, तो अब केवल कानूनी अधिकार है, पहले ये क्या था, मौलिक अधिकार था। अगला है कि संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया, कब, मतलब कि जो संपत्ति का अधिकार था इसको कब हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया, ये किया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि वर्तमान के समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा है। देखिए एक ही क्वेश्चन है, कितने तरीके से पूछा गया है, तो यह एक विधिक कानूनी अधिकार है, यह कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है समान आवास का अधिकार, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सबको समान आवास मिलना है और आपका ये अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की मर्जी है, अगर वो चाहे तो दे सकती है, चाहे तो आप खुद बनाइए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया था क्या, तो भारतीय संविधान में नागरिकों को सूचना का अधिकार नहीं मिला था, मतलब कि RTI मिला। यह अधिकार कब, 2005 में, कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हालांकि अब कहा जाता है कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसे काफ़ी हद तक कमज़ोर किया गया है। कई ऐसे फील्ड हैं जिन पे आपको अधिकार तो है, लेकिन सरकार को भी अधिकार है कि वो चाहे तो आपको जानकारी देगी या फिर चाहे तो नहीं देगी। सभी व्यक्तियों को क्या प्राप्त है, तो सभी व्यक्ति कानून के समान बराबर होते हैं, ये अधिकार मिला है सभी व्यक्तियों को। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, मतलब वो व्यापार तो कर सकता है परमिशन लेकर, लेकिन यहाँ पे व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो ये है आवास के अधिकार को, मतलब कि आप देश में कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं, बस सकते हैं, कहीं कहीं कोई मान्यताएं अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो यह है आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार, मतलब कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और देश में कहीं पर भी बस सकते हैं, घूम सकते हैं। अगला है कि किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्यों। जैसे आप देखते हैं कि भारत में भारत माता की जय या फिर इस तरह के कई सारे ऐसे स्लोगन है जिनको लेकर के काफ़ी राजनीति होती है, तो यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्र गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि इससे वो व्यक्ति की जो वाक स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसका उल्लंघन होगा। इसके अलावा जो धर्म के आबाद के रूप में आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई भी कानूनी उपबंध नहीं है, मतलब कि अगर वो व्यक्ति चाहे तो गा सकता है, अब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उससे ये गवाया जाए। विदेशी नागरिकों को क्या प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं मिलता है, मतलब कोई विदेशी नागरिक है भारत में आकर के, अगर वो चाहे कि उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगला है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त हुआ अधिकार कौन है जो कि गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। देखिए जो सारे अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, इनमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि जो विदेशी नागरिक यहाँ पे आते हैं, चाहे वो टूरिस्ट के तौर पे या फिर काम करने, तो उनको भी अधिकार मिलता है। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 के तहत मिलता है, मतलब कि ये अधिकार सबको मिलेगा चाहे वो नागरिक हो या फिर ना हो। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध क्या है, तो अधिकार और कर्तव्य साथ सहसंबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, यह है आर्टिकल 14 तथा 16, मतलब कि आर्टिकल 14 और 16 में समानता के बारे में बात की गई है। वही कहा गया इस पूरे क्वेश्चन में, लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है कौन, तो यह है आर्टिकल 16 का 1 और 16 का 2।
मतलब इसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को कोई भी अवसर देते समय उस पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अगला है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। कोई अल्पसंख्यक है तो वो अपनी भाषा को बोल सकता है, लिख सकता है, इसका अधिकार संविधान उनको देता है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार फ्री में होता है, ये मिलता है आर्टिकल 21A, और यह एक मूल अधिकार है। अगर हम बात करें आपातकाल, तो आपातकाल के टाइम पर भी यह सस्पेंड नहीं होता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। वह अधिकार जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय में भी समाप्त नहीं होता है, यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। मतलब कि जब भी आपातकाल लगता है तो कई सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि समाप्त कर दिए जाते हैं, लेकिन ये दोनों को समाप्त नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, यह कथन है। इसके अलावा जो कारण दिया गया है यह है कि यह प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको बताना होता है कि क्या दोनों सही है या फिर इनमें से कौन सही है, और क्या जो कारण है यह कथन की व्याख्या करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे पहले वाले को, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है, अनिवार्य है, ये बिल्कुल सही है, और ऐसा शिक्षा के अधिकार के लिए रखा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसके बारे में जो अस्पष्टीकरण है, एक कारण दे रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है किसके लिए, तो ये कह पारसियों को, पारसियों को हिंदू में नहीं रखा जाता है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह प्रावधान कहाँ है, तो यह है आर्टिकल 20 के 3 भाग में। जैसे कोई चोरी किया, कोर्ट में गया, तो वहां पे आप जज के सामने ये नहीं कह सकते कि कहो तुम कि मतलब हाँ मैंने चोरी किया है, अगर आपके सामने प्रूफ है तो आप लाइए कई। लेकिन ये काम साइड से होता है, पुलिस करवा लेती है, पुलिस जब थाने में लेती है तो वहां पे पीट पीट के ये जुर्म एक्सेप्ट करवा लेती है। हालांकि अगर यही कैदी जाकर के कोर्ट में अपने बयान से हट जाता है तो जो पुलिस के सामने दिया गया बयान होता है वो कोर्ट में लागू नहीं होगा, अगर ये अपने बयान से पलट जाए तो कुल कहने का ये मतलब है कि खुद को खुद के विरुद्ध गवाह नहीं बना सकते। अगला है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है किसमें, यह है आर्टिकल 21। जब कोई व्यक्ति बंदी बनाया जाता है तो उसको मौलिक अधिकार मिलते हैं, 3 अधिकार मिलते हैं, ये मिलते हैं आर्टिकल 22 में। इसमें यह अधिकार ये मिलता है कि उसको बताना होगा कि हम क्यों आपको अरेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उसको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की अनुमति होगी, और उस समय जो मतलब सजा हो रही होगी उसी के अनुसार उसको सजा मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जघन्य अपराध है, कोई एक अपराध जो कि जघन्य है, और अगर हम बात करें 2020 की, इस समय इस जघन्य अपराध का जो सजा है कानून के मुताबिक 14 साल की सजा है। कोई व्यक्ति यह जघन्य अपराध 2020 में कर दिया, लेकिन ये मामला उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया, लोग रोड पे निकले, प्रदर्शन हुए, इसके बाद 2020 के 21 में जा करके एक कानून बना। कानून ये बना कि जो व्यक्ति इस जघन्य अपराध को करेगा उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी। अब जो व्यक्ति यहाँ पे सजा मतलब कि अपराध किया है, इसका ट्रायल मतलब ये तो जेल में है, केस चल रही है, इसको सजा सुनाई गई 2030 में। 10 साल काफी है, क्योंकि भारत में इससे पहले फैसला होता नहीं है, इसके कई सारे कारण हैं। तो जब 2030 में उसको सजा सुनाई जाएगी तो उस समय तो मौत की बात कही जा रही है, लेकिन इसको सजा इसके समय वाले के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि इस समय के हिसाब से, क्योंकि उसने जो जुर्म किया उस समय जो सजा थी उसी मतलब उस समय जो सजा रखी गई थी उसी के अनुसार उसको सजा दिया जा सकता है। अगला है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम निवारण निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 के तहत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, कितने महीने के लिए, यह 3 महीने के लिए। कई जगह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगते हैं देश भर में, तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति लगता है कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है, इसको नहीं पकड़ा गया तो कुछ गलत कर देगा, अभी वो जुर्म नहीं किया है, जुर्म करने से पहले आप उसे रोक सकते हैं, 3 महीने के लिए रख सकते हैं।
लेकिन अगर आप 3 महीने से अधिक रखना चाहते हैं तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? ये किया सन 1976 में। मतलब आप किसी को बधुआ नहीं बना के रख सकते। अगला है कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभों का हकदार होगा। किसी को भी अगर अल्पसंख्यक कहा गया तो उसको कई सारे लाभ मिलते हैं। वह अपने संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उनका संचालन कर सकता है। वह प्रधानमंत्री के जो 15 सूत्री कार्यक्रम है इसका भी लाभ पा सकता है। जैसे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कौन है, तो हिंदू को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी सभी लोग अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, तो अल्पसंख्यकों को अपने लाभ मिलते हैं। दो सिद्धि के संबंध में अभिभक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है यह आर्टिकल 20। सही कथन क्या है? तो सही कथन है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। मतलब कि जो मौलिक अधिकार मिलता है ये व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाता है। सेवा का अधिकार अवधारणा प्रारंभ हुई थी कहाँ से? तो ये हुई थी ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से, लंदन से। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, ये किस आर्टिकल के द्वारा कब किया गया? तो ये भारत के संविधान द्वारा किया गया है। मतलब कि जो भी जोखिम भरे काम होंगे 14 साल से छोटे उम्र के बच्चों से आप नहीं करा सकते। जोखिम वाले काम नहीं है तो आप 14 साल तक के बच्चों से करा सकते हैं, जैसे कि आप इसमें पानी देना, वो भी उसके लिए भी कई कंडीशन है। इसको दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 10 दिसंबर 1996 में और ये UN के चार्टर के द्वारा लिया गया है। मौलिक अधिकार जो कि केवल भारत के नागरिकों को मिलता है, यह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को। अगर कोई विदेशी है यहाँ पे आया है घूमने के लिए, काम करने के लिए, तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। अगला है कि मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मूल अधिकार में कई सारे केस हुए थे। पहले आया AK गोपालन बनाम मद्रास राज, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज, इसके बाद मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ। देखिए, ये केशवानंद वाले को कई बार पूछा गया है। केशवानंद में क्या है कि मौलिक अधिकारों को भी संशोधित किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। राज्य का जो नीति निदेशक सिद्धांत है ये भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि जो आयरलैंड से लिया गया है नीति निदेशक सिद्धांत, इसमें क्या है कि जो राज्य है वो अपने प्रजा के लिए कानून बनाती है, उनको उत्थान के लिए कानून बनाती है। ये है आयरलैंड से लिया गया नीति निदेशक सिद्धांत। अगला है कि यहाँ पे पूर्ति करना है, तो बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। मतलब कि अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अगला है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में कहा गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है और इसमें जो सरकार होती है ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कई सारे नियम बनाती है और ये सारे धर्मनिरपेक्ष होते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में बांटा गया है? तो ये है समाजवादी, उदार भौतिकवादी और गांधीवादी। राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के बारे में सही कथन क्या है? यहाँ पे देखिए, जो दिया गया सब सही है लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन गलत है। तो नीति निदेशक तत्वों की हम बात कर रहे थे, तो ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात की गई है। अगला है कि कल्याणकारी राज्य संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में मिलता है, ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों और प्रस्तावना के बारे में बात की गई है। देखिए, यहाँ से बस आप एक ही चीज याद रखिए कि जो नीति निदेशक तत्व होता है हमने आयरलैंड से लिया गया है और इसमें क्या है कि राज्य सरकार का ये पावर बढ़ता है, इससे राज्य सरकार आपके भलाई के लिए कानून बनाती है। नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, मतलब कि नीति निदेशक सिद्धांत को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो ही आप कोर्ट में जा पाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है? यह है राज्य का नीति निदेशक तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये मिलता है नीति निदेशक तत्व सिद्धांतों के तहत। अगला है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, ये भी की गई थी राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत।
मतलब कि जो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत होता है उसी में पंचायती राज बताई गई है। पंचायती राज में तीन लेयर की बात की गई है, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, त्रिस्तरीय। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करने के अधिकार देती है किस आर्टिकल के तहत? यह है आर्टिकल 40, मतलब कि आर्टिकल 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों के बारे में। ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत बनता है। यहाँ पे देखिए सही सुमेलन दिया गया है, परीक्षा में आपसे सुमेलित कराया जाता है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप पे जाके PDF डाउनलोड कर पाएंगे। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।